ये तो बात सच है कि जो फर्स्ट वेव आई थी COVID-19 पेंडेमिक के लास्ट ईयर के दौरान और ये जो अब सेकंड वेव से हम गुजर रहे हैं, इसमें अंतर तो है, लेकिन बहुत सारे स्पष्ट और एक्यूरेट डेटा ना होने की वजह से पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि किस उम्र के कितने लोग हैं इस बार और पिछले साल की तुलना में उनमें कितना अंतर है प्रतिशत के हिसाब से। लेकिन ये जरूर है कि जितनी तेजी से ये फैला है इस बार म्यूटेशन की वजह से और लोगों में फटीक की वजह से, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना होने की वजह से और गैदरिंग्स में कमी ना आने की वजह से, इसमें बच्चे भी बहुत सारे चपेट में आए हैं। क्योंकि बच्चों में कुछ चीजें हैं जो वयस्कों और बुजुर्गों की तुलना में अंतर है। बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं और जो एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी रिबेलियस प्रवृत्ति होती है। चंचल बच्चे बार बार हाथ अपना मुंह तक ले जाते हैं, मास्क को छेड़ते हैं, एडजस्ट करते हैं और खाना इकट्ठे प्लेट उठा के दूसरे के साथ जाके बैठ जाएंगे, खाना खाते हैं तो मास्क उतारना पड़ता है। तो बहुत सारा उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कोविड अप्रोप्रिएट नहीं है, उससे उनमें रिस्क बढ़ता है और उनको बार बार समझाना पड़ता है ताकि उनका बिहेवियर कोविड अप्रोप्रिएट हो। उसके अलावा दूसरी चीज जो बच्चों में अलग है बड़ों के मुकाबले, हाथों की हाइजीन मेंटेन करना, फेस की हाइजीन मेंटेन करना। बच्चे अक्सर उतनी थॉरली हाथ अक्सर नहीं वॉश करते, या वॉश करते हैं तो उसके बाद फिर से डर्टी हो जाते हैं उनके हाथ, वो कहीं भी छू लेते हैं। छूने के बाद तुरंत वॉश करें ये जरूरी नहीं है, वो चेहरे की तरफ भी ले जाते हैं हाथ, नाक और आंख और कान तक चला जाता है उनका हाथ। मास्क वो प्रॉपरली सील्ड फिटिंग प्रॉपर हो ये नहीं पहनते कई बार, या नाक से नीचे होता है उनका मास्क, उनको ऐसा लगता है कि मेरे से सांस ठीक से नहीं लिया जा रहा है। तो बड़ों की जिम्मेदारी बहुत बनती है कि बार बार वो बच्चों को चेक करते रहें, वयस्कों को चेक करते रहें कि वो ठीक से मास्क पहने हुए हैं कि नहीं, मास्क अपना उचित कार्य कर रहा है कि नहीं। वो तभी कार्य करेगा जब मास्क अच्छी क्वालिटी का होगा और उसको सही ढंग से पहना होगा। नाक और मुंह पूरा ढका होना चाहिए, उसकी ऑल राउंड सीलिंग होनी चाहिए ताकि बाहर से हवा ना घुसे और अंदर की हवा बाहर ना जाए, ब्रीदिंग कंफर्टेबल हो। और इस समय जिस तेजी से फैला है मास्क, अब तो ऐसे दिशा निर्देश आ रहे हैं कि सिंगल मास्क कई बारी पूरा कार्य नहीं कर सकता, तो डबल मास्क के लिए भी सलाह दी जा रही है। अगर आपका रिस्क ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है, या आपका एक्सपोजर की संभावना ज्यादा है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी रिसेंटली नीति आयोग की तरफ से भी दिशा निर्देश आए हैं कि अगर आप घर के अंदर भी हैं तो अगर दो लोग साथ बैठ रहे हैं तो बेहतर है कि घर के अंदर भी मास्क पहनकर बैठें।